गत रात्रि सिंधी कैंप में मरही माता मंदिर के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद दोनों पक्ष पहुंचे एसपी ऑफिस। दोनों पक्षों से आए लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी को ज्ञापन सौंपा, वहीं एक दूसरे पर लगाए आरोप। जहां एक पक्ष के साथ पहुंचे रामू सोनकर ने बताया कि घटना में शामिल माखन सोनकर पर कार्यवाही नहीं की गई है, वहीं दूसरी ओर से आए मंटू सोनकर ने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष के सभी लोग आतन अपराधी हैं और उन्होंने गोलियों के साथ बम भी चलाए थे। सोनकर सुनीता, दो सुनीता सोनकर, भूरी सोनकर, वर्षा, राधा और पूजा, तीन लड़की, तीन माँ, धीरज कुमार के घर में हमारे बड़े नाती को बंद करके कुमार के घर में मारे हैं। के साहब मन्नू पुलिस वाले लिखा रहे हैं, चाकू भोके देते रहे मंटू और सेंटू, वो हमारे लड़के को थाना में बंद करे हैं। घर पे इन लोग आए, मेरे सीना में लात धरने लगे तो हमने ऐसे मेरे दोनों घुटना में धर दिए इन लोग, और वो मार के सीधे दौड़ लगा, हमने आवाज दिए सबको तो दौड़ लगा के वो भाग गया राहुल सोनकर। हम बोले हमको क्यों, अब क्या हो गया, क्या हो गया, तो कह रहा था कि तुम लोग को पूरे परिवार को मार डालेंगे। अब मैंने कहा बेटा क्या होगा, हम बेटा करके बात करें, तो मेरे को कह रहा था कि तुम्हारे तुम्हें बेटा को गोली से डाल देंगे रात तक। हमारे पापा घर में रहे, माखन सोनकर मंटू सोनकर हमारे पापा को घर से घसीट कर और उन्हें गोली मारी और मार भी दी, बहुत पीटा भी और गोली भी चलाई उनके ऊपर। क्या मांग करती हुआ प्रशासन से? हमारे पापा को इंसाफ मिले। कल हनुमानताल थाने के अंतर्गत मरही माता मंदिर के पास भीम सोनकर के परिवार रहते हैं, भीम सोनकर के परिवार के ऊपर मक्खन सोनकर और मंटू सोनकर और उनके परिवार के कुछ लोगों ने अज्जू सोनकर को घसीट के लाके और उनको पकड़ के उनको गोली मार दी गई। इसके बाद आज हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए। एसपी साहब से मिलने के बाद एसपी साहब किसी कारणवश किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, तो एसपी साहब नहीं मिलने के कारण हम लोग अनन्य एसपी से मिलने के लिए खड़े हैं और उनको बताने गए हैं कि जो निष्पक्ष जांच है और जो मामला है उनके ऊपर बनाया जाए। चूहा वगैरह खिलाते रहे, प्रशासन को देख के ये कंचे बंटे में अपडेट हो जाते हैं, इनको मना करने पे ये लड़ते हैं। इनने हमारे घर के दो लोगों लेडीज़ों को मारा, जिनको मैं थाना हनुमानताल में FIR करा के मुलायजा के लिए विक्टोरिया लेके गया हूँ। विक्टोरिया में ले जाने के बाद पता चला, इन्होंने एक्सरे के लिए बोला विक्टोरिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, उसके मैं मुलायजा करा ही रहा था, तो मैं घर से सूचना आई कि ये लोग बम गोली तलवार बेसबॉल के डंडे वगैरह लेकर सब आए और बाकायदा ने बम भी चलाया, गोली भी चलाई है और अपने पक्ष को खुद गोली मार के घायल करके, जिसकी CCTV फुटेज हमारे पास है और मैंने थाना हनुमानताल में भी दे दिया है। उसके बाद ये फर्जी करके हम लोगों के ऊपर पकड़ना और दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ये अपराधित किस्म के, इनका पूरा बैकग्राउंड अपराधित है, चैन स्कैनिंग, बम, गांजा, सब चीज़ों में आज भी औजार की तस्करी वगैरह सब करते रहते हैं। अवैध सैकड़ों मामले इनके ऊपर प्रतिबंध हैं, आप इनकी जांच करी जाए और हमारा परिवार को देखा जाए, एक भी केस नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और उचित न्याय के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उचित न्याय दिलाने का कष्ट करें। हम फायरिंग का केस आया था थाना हनुमानताल बाबा टोला में मरी माता मंदिर के पास में, उसमें तीन व्यक्ति घायल हुए, उसमें 2-307 के अपराध पंजीबद्ध किए गए। उसके संबंध में यहाँ माखन सोनकर जी बाबू सोनकर इन्होंने कहा है, एक आवेदन दिया है कि इनकी तरफ से कोई गोली नहीं चली गई, जबकि दूसरे पक्ष ने खुद ही अपनी गोली चली। इस संबंध में अपराध जो भी पंजीबद्ध किए उसके संबंध में इनका ये आवेदन है, इसकी जाँच कराई जाएगी और जो जाँच में तथ्य है उसके अनुसार सही